बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास सिक्स, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल रीड चैप्टर नंबर वन, टॉपिक सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर फोर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम टॉपिक सेल्स। इन दिस लेक्चर वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक सेल एंड ऑल्सो टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सेल्स खुलिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। सेल्स के बने होते हैं, खुलियों के बने होते हैं। आ सेल, खुलिया इज द बेसिक यूनिट, बुनियादी इकाई है ऑफ स्ट्रक्चर, साख की एंड फंक्शन और काम की ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तमाम जानदार ऑर्गेनिज्म के अंदर जो साख और काम के लिहाज से बुनियादी इकाई है वो क्या है, एक सेल होता है। प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स और जानवर आर मेड, बने होते हैं ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, खरबों खुलियों के। ठीक है, पौधे और जानवर खरबों खुलियों के बने होते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होते हैं ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक खुलिए पर। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ जानदार ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही खुलिए से बने होते हैं, जैसे कि ईजी। ईजी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है, जो कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, उसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मल्टी मीन मैनी, सेलुलर सेल। सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, मुख्तलिफ होते हैं इन साइज, जिसामत में, शेप शक्ल में एंड फंक्शन और काम के लिहाज से। ठीक है, तो सेल्स क्या होते हैं, जो हमारे खुली होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं जिसामत, शक्ल और काम के लिहाज से। यहाँ पे उन्होंने कुछ की एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे कि स्किन सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, स्किन सेल्स कवर दी बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। ये क्या करते हैं, कवर, ढांपते हैं बॉडी जिस्म को एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर, और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। बोन सेल्स, हड्डियों वाले सेल्स, ठीक है, हड्डियों के खुलिए, प्रोड्यूस बोन्स, हड्डियाँ बनाते हैं, टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी, जिस्म को सहारा देने और शक्ल देने के लिए। ठीक है, जिस्म को सहारा और शक्ल देने के लिए हड्डियों वाले सेल्स हड्डियाँ बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं बेटा, कंडक्ट मैसेजेस। ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। मैसेज क्या होता है, पैगाम, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो जो अमल होता है ये उसका पैगाम देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ये क्या करते हैं, लड़ते हैं अगेंस्ट जर्म्स, जरासीम के खिलाफ, दैट कॉज डिजीज, जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। और यहाँ पे ये उन्होंने वाइट ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं, ये हमारी खून वाली नालियों के अंदर होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी खून वाले सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट, मुंतकिल करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, जिस्म के इर्द गिर्द, यानी कि ये जो हमारे पूरी बॉडी है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कौन से सेल्स करते हैं, रेड ब्लड सेल्स करते हैं। उसके बाद क्या है, मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। ठीक है, मसल सेल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट, सुखड़ते हैं एंड ब्रिंग, लाते हैं अबाउट मूवमेंट, हरकत। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारा जो मसल्स होता है, जैसे हम अपने बाजू को ऊपर नीचे मूव करवाते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं ये सुखड़ कर उनको हरकत में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम सेल्स, कुछ सेल्स आर लार्ज इनफ, बहुत बड़े होते हैं, टू बी सीन विद दी नेक्ड आई, कि उन्हें हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं, योक ऑफ एग, जैसे कि अंडे की जर्दी। बट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन ज़्यादातर सेल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वी कैन नॉट, हम नहीं देख सकते सी देम विद आवर आइज, अपनी आँख से। ठीक है,
उन्होंने कहा है कि कुछ सेल्स क्या होते हैं इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम अपनी आँख से देख सकते हैं, और कुछ सेल्स क्या होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आँख से नहीं देख सकते। वी नीड आ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स, तो उन सेल्स को देखने के लिए हम किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट मखसूस आला टू सी देखने के लिए द सेल्स खुलियों को, तो कुछ जो छोटे सेल्स होते हैं, छोटे खुली होते हैं उनको देखने के लिए हम एक मखसूस आले का इस्तेमाल करते हैं। उस मखसूस आले को बेटा क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।